जिला मुख्यालय धर्मशाला में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे नगर निगम के सफाई कर्मियों पर फूल बरसाकर उन्हें सम्मानित किया गया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहीं। इस मौके पर उनके साथ विधायक विशाल नेहरिया, नगर निगम के मेयर देवेंद्र जग्गी, डिप्टी मेयर ओंकार नेहरिया व नगर निगम कमिश्नर प्रदीप ठाकुर सहित पार्षद मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इन लोगों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना काल में स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है तथा इसमें सफाई कर्मी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि शहरी विकास विभाग में प्रदेश भर में 1100 के लगभग सफाई कर्मचारी हैं और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये सम्मान समारोह रखा गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कोरोना वॉरियर सफाई कर्मियों को सम्मानित करने की बात की थी। सफाई कर्मियों को शिमला में भी सम्मानित करवाया गया था और अब धर्मशाला में ऐसे कर्मियों को सम्मानित किया गया है। देखिए, अर्बन डेवलपमेंट विभाग के पास 1100 सफाई कर्मचारी हैं इस पूरे प्रदेश में और शिमला में 1100 हैं, यहाँ 250 के आसपास हैं, इस तरह से अलग अलग यूनिट्स में हैं। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे विभाग में सफाई कर्मचारी जो कि कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने एक अच्छा बढ़िया काम किया है और कर्फ्यू में भी बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी बहाने के इन्होंने जो गार्बेज डोर टू डोर कलेक्ट किया, जहाँ से इनको रोजमर्रा की ज़िंदगी में पॉइंट्स बने हैं और उसको डिस्पोज किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इनको जो सम्मानित करने की बात रखी है कि जिस तरीके से हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मानित कर रहे हैं, हम लोग पुलिस कर्मचारियों को, डॉक्टर को, नर्सिस को, इसी तरह सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का काम मेरे विभाग का था, जिसको हमने शिमला में गवर्नर साहब के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से और एक कार्यक्रम मैंने स्वयं किया था, और आज धर्मशाला में हमने 3 कार्यक्रम रखे हैं और इसमें कमिश्नर प्रदीप जी और हमने इन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया जी हैं जो अपनी भूमिका अपने क्षेत्र में निभा रहे हैं, मेयर हमारे साथ हैं, डिप्टी मेयर हमारे साथ हैं, काउंसलर सभी इस काम में अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं। सो इस एमसी के इस अच्छे काम के लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहती हूँ। 240-250 के करीब हमारे जो यहाँ पे धर्मशाला में सफाई कर्मचारी हैं, इनके माध्यम से जो सुनिश्चित हुआ है आज सफाई का अभियान, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद और बधाई देने आई थी।